ভারতে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদি দুর্নীতিমুক্ত সরকার চালিয়ে দেখাচ্ছেন। এই সরকার শুধু যোজনা তৈরি করে না, যোজনা তৈরির আগে টাকার ব্যবস্থাও করে, বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আত্মনির্ভর ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বন্দুক, গুলি, যুদ্ধে ব্যবহৃত সব ধরনের হাতিয়ার আর বাইরের দেশ থেকে কিনতে হবে না, ভারতেই তৈরি হবে, এমনকি দেশের যুবারাই তৈরি করবেন। এটাই আত্মনির্ভর ভারত। দেশ এখন শক্তিশালী, বিদেশও চোখ তুলে কথা বলতে দশবার ভাবতে হবে বলে হুঙ্কার ছুড়েন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। আমি আপনাকে याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी ही भारत के प्रधानमंत्री थे। बहन भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है वो व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। लेकिन राजीव गांधी जी बेचारे ने अपनी मजबूरी जाहिर की, क्या करें, दिल्ली से मैं 100 पैसा भेजता हूं नीचे लोगों के पास, लेकिन लोगों के पास बड़ा मुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आजाद भारत में भ्रष्टाचार की चुनौती को यदि किसी ने स्वीकार किया तो भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार। आपने देखा लोगों के बैंक में अकाउंट खुल गए, अब 6000 रुपया भी वहां से चलता है, दिल्ली के बैंक से 6000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पा रहा। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है, भाषण देकर भ्रष्टाचार नहीं समाप्त किया जा सकता, बल्कि व्यवस्था में, सिस्टम में चेंज लाकर ही इसे समाप्त किया जा सकता है, और ये करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप कल्पना किया होगा कभी किसी ने, क्या कैसी सरकार आएगी जो कहेगी गरीब से गरीब बेटा होगा, गरीब से गरीब परिवार होगा, बीमार हो गया 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज होगा आयुष्मान भारत योजना के अंदर, यदि पहले साल ठीक नहीं होगा फिर से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, घर घर में नल के माध्यम से जल पहुंच जाएगा। और मध्य प्रदेश जैसे बीहड़ क्षेत्र कल्पना नहीं की जा सकती, बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं सारी योजनाओं की चर्चा करूंगा कम से कम 3 घंटे का समय लगेगा, 3 घंटे कोरोना काल में करिश्मा ही काम। आप जितने बैठे हैं बिना जाने हुए मैं कह सकता हूं शायद ही इसमें कोई ऐसा बचा हो जिसे कि कोरोना के वैक्सीन की 2 डोज में लगी, जिनको 2 डोज लगी है कृपया हाथ उठा दीजिए। तो मैं देखिए कोई आपके बगल में है जिसको नहीं लगी? बहन भाई, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं, इवन अमेरिका, जर्मनी, जापान, वहां भी मैं गया, वहां भी कोई सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि हमारे सारे नागरिकों को 2 डोज कोरोना की वैक्सीन लग गई है। वैक्सीन भारत में बनती नहीं, करिश्माई काम किया है हमारे प्रधानमंत्री, वैज्ञानिकों की पीठ पर हाथ रखा, कहा जो भी खर्च होगा देंगे आगे बढ़ो। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, हमने अपने देश के लोगों को लगाई, कोरोना के संकट से निजात दिलाई, और केवल अपने देश के लोगों को ही संकट से निजात नहीं दिलाई बल्कि दुनिया के 100 देशों को भी हमने कोरोना की वैक्सीन मुहैया की। यह है भारत, यह है भारत, ये छोटी बात नहीं है। बहन भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं है, ताकतवर भारत। और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अब तक बड़े बड़े टैंक, तो गोले, मिसाइल, बंदूक साधारण से लायक दुनिया के दूसरे देशों से हम लोग मंगाते थे, आयात कर फैसला किया है हम लोगों ने, बहुत हो गया, कब तक लेते रहेंगे दुनिया के दूसरे देशों से, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। हम लोगों ने फैसला किया है अब सारे यह डिफेंस के, रक्षा के सारे साजो सामान, हथियार, गोले, बारूद सब भारत की धरती पर बनाएंगे और भारतवासियों के हाथों से बनाएंगे।
आत्मनिर्भर भारत। अरे भाई कोई छोटी बात नहीं है। और आप समझिए जहां पर 900,000 रुपए का एक्सपोर्ट होता था, हम लोगों ने अभी 20,000 करोड़ से अधिक का कर लिया। ऐसा है नहीं है कि केवल योजना बना रहे, काम कर रहे। दुनिया के दूसरे देशों में आप यहां के लोग भी जाते होंगे, पहले भी गए होंगे, भारत के बारे में धारणा बदल दे। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लोग कहते थे भारत क्या है, कमजोर है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत। संवाद ए पर्यन्त, फिरछि परवर्ती अन्य अपडेट नहीं। धन्यवाद।